www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة सूरह अबस व तवल्ला गुज़िश्ता कल की मजलिस में शुरू हुई थी, आज 15वीं आयत से हम आगे चलते हैं। जो फरिश्ते खुद बड़ी इज्जत वाले बड़े नेक हैं, यानी वो फरिश्ते ऐसे लिखने वाले, यानी वो ऐसे लिखने वालों के हाथों में रहते हैं जो खुद बड़ी इज्जत वाले बड़े नेक हैं, यानी लोहे महफूज से कुरान नकल करने वाले फरिश्ते बड़े इज्जत वाले हैं, बड़े नेक हैं। और दुनिया में जब वही कुरान उतरता है तो जो सहाबा लिखते हैं वो भी बड़े नेक हैं, बड़े इज्जत वाले हैं, बल्कि वो सहाबा मलाइका जैसी खूबियों वाले हैं। इसी तरीके से ये कुरान मजीद उम्मत के उलमाए किराम के जरिए से कयामत तक इंसानों के लिए पहुंच रहा है, तो ये उलमाए उम्मत ये भी बड़े नेक और बड़े जो है ऊंचे खूबियों वाले हैं। कुतिलल इंसानु मा अकफरा, इंसान मारा जावे वो कितना नाशुकरा है। मिन अई शय इन खलका, इंसान जरा सोचे तो अल्लाह ताला ने उसको किस चीज से पैदा किया। मिन नुतफतिन खलकहू फकद्दरा, नुतफे से उसको पैदा किया फिर उसको हर चीज में एक खास अंदाज अता फरमाया, यानी एक नापाक मनी के कतरे से इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। फिर इंसान जब मां के पेट में था तो उसके बदन के आजा, उसके बदन के अवयव अंग कितने अच्छे अल्लाह ने बताए। इंसान का कद, इंसान की बॉडी, इंसान की शक्ल सूरत कितनी बेहतरीन अल्लाह ताला ने बनाई। दूसरा तर्जुमा है, फिर उसकी तकदीर तय फरमाई, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसकी तकदीर लिख दी जाती है, इसको कितनी रोजी मिलेगी, कितनी जिंदगी गुजारेगा और नेक होगा बदबख्त होगा, कहाँ मरेगा, सब माँ के पेट में होता है लिख दिया जाता है। तुम सबील यस्सरा, फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता आसान कर दिया। इंसान सोचे कि माँ के पेट में से दुनिया में आता है तो कितने तंग रास्ते से आता है, जहां पेशाब की जगह है ऐसी तंग जगह से आता है, और दुनिया में आने का रास्ता अल्लाह ने आसान किया। फिर दुनिया में आने के बाद ईमान, इताअत, नेकी, भलाई, ये सब काम अल्लाह ने उसके लिए आसान कर दिए।
और जो काफिर नाफरमान है उनके लिए कुफ्र करना, नाफरमानी करना, ये भी आसान हो गया। और इंसान अपनी जरूरियात को जो पूरी करता है, खाना पीना, कपड़े मकान, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें आसान कर दी। सुम्मा अमातहु फअकबरा, फिर उसको मौत दी और उसको कब्र में पहुंचा दिया, यानी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन कब्र आएगी। मौत ये भी मोमिन के लिए एक तोहफा है, अल्लाह की गिफ्ट है, क्योंकि दुनिया की उलझनों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है और आखिरत की राहत मिलती है। और इंसान जब मरे तो उसको घुसल दिया जावे, कफन दिया जावे, जनाजा पढ़ा जावे, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। जानवर मरते हैं तो बिचारों को घुसल नहीं, कफन नहीं, जनाजा नहीं। अल्लाह ताला ने कितना अच्छा हमारा हाल बयान फरमाया, बल्कि यूं कहो कि जानवर तो जानवर, कितने इंसान ऐसे हैं कि मरने के बाद बिचारों को गुसल, कफन और जनाजे की नमाज नसीब नहीं होती। अल्लाह ऐसी बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमाए। तुम इदा शा अनशरा, फिर अल्लाह ताला जब चाहेंगे इंसान को दोबारा जिंदा करेंगे। कल्ला लम्मा यकदी मा अमरा, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस बात का हुक्म दिया था अभी तक उसने उसको पूरा ही नहीं किया। अल्लाह के अहकाम पूरे करो, अल्लाह की बात मानो। फलयंजुरिल इंसानु इला तुआमी, सो इंसान को अपने खाने को देख लेना चाहिए। हम जो दस्तरखान पर बैठ करके खाते हैं ना, वो खाना कैसे मिलता है सोचो। अन्ना सबबनल मा असब्बा, कि हमने ऊपर से खूब पानी बरसाया। अल्लाह ने बारिश बरसाई तो अनाज उगता है, सब्जी उगती है, खेती होती है, और वही घास चारा खान करके जानवर का गोश्त भी मिलता है। तुम मशक्कनल अर्द शक्का, फिर हमने जमीन को अजीब तरीके से फाड़ा, जमीन फट करके अंदर से पौधा निकलता है। वह फअंबतना फीहा हब्बा, फिर हमने उस जमीन में गल्ले उगाए, अनाज उगाए। वईनबं वक़दबा, और अंगूर और सब्जियां उगाई। वज़ैतून वनखला, और जैतून और खजूर उगाई। वहदाइक गुलबा, और घने बागात उगाए, बाड़ियां, गंजान बाड़ियां, गीच बाड़ियां अल्लाह ने फल फ्रूट की उगाई। वफाकिहतं व अब्बा, और फल फ्रूट और घास चारा अल्लाह ने पैदा किया। मताअल्लकुम वलियनामिकुम, ये सब तुमको और तुम्हारे जानवरों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। फइदा जाअतिस्साखा, फिर जब वो कान फाड़ने वाली सूर की सख्त आवाज आ जाएगी, कयामत के दिन जो सूर की आवाज आएगी ना, वो कान फाड़ देवे ऐसी आवाज होगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस कयामत के दिन इंसान अपने भाई से भाग जाएगा। व उम्मिही व अबी, और अपनी मां से और अपने बाप से भी भाग जाएगा। व साहिबती ही व बनी, और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भी भाग जाएगा। लिकुल इम्रिइम मिनहुम यौम इदिन शानु युगनी, उनमें से हर एक शख्स को उस दिन एक फिक्र लगा होगा जो उसको दूसरों से बेपरवाह कर देगा, दूसरों की तरफ से गाफिल कर देगा। हर एक को अपनी फिक्र और पड़ी होगी, कोई दूसरे की फिक्र नहीं करेगा। वो जो हुईम मुस्फिरा, उस कयामत के दिन कितने चेहरे चमकते होंगे ईमान वालों के। अल्लाह हमारे चेहरों को कयामत के दिन चमका देवे अपने कर्म से। वुजू के पानी की बरकत से कयामत के दिन चेहरे चमकेंगे, इसीलिए रोज पांच नमाज पढ़ो, वुजू करो। दाहिका तुम मुस्तबशिरा,
हंसते और खुशी मनाते होंगे ईमान वाले। वजूहुन अलैहा ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ। और कितने चेहरों पर उस दिन गर्द गुबार पड़ी होगी, काले काले होंगे। تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ, उन पर स्याही और कालापन छाया हुआ होगा। ये नाफरमान लोग होंगे, गंदे काम वाले लोग होंगे, जिनके चेहरे काले काले होंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तरह कुहा का तरह उलाइक हुमुल कफरतुल फजरा, यही वो लोग हैं जो काफिर थे और बदकार थे, बुरे काम वाले थे। उनके चेहरे से काले कलोटे पड़े हुए होंगे। अल्लाह ऐसी बुरी हालत से मेरी आपकी पूरी उम्मत की महज अपने करम और फजल से अल्लाह ताला हिफाजत फरमा देवे। अब ये जो आया आयत में बिअयदी सफारतिन किरामिन बररा, इसके अंदर चार तरह की जमातें आती है। एक जमात है फरिश्तों की, जो फरिश्ते अल्लाह ताला की यहां लोहे महफूज से कुरान लिखते हैं, आसमानी किताब नकल करते हैं, बैतुल इज्जत में लिखते हैं, जो फरिश्ते दुनिया में अल्लाह के कलाम लाते हैं। नंबर दो, अल्लाह के नबी मुराद है, कि जो नबी अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। नंबर तीन, जो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान लिखते थे, कातिबीन वही जिनको कहते हैं, वो सहाबा जो फरिश्तों जैसे हैं। और बहुत से सहाबा तो खूबियों में फरिश्तों से भी आगे थे, बास फरिश्तों से। और नंबर चार, उम्मत के उलमाए किराम मुराद है, जो कुरान लिखने का, कुरान पढ़ने का, कुरान पढ़ाने का, कुरान दूसरों को पहुंचाने का काम अंजाम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान में वास्ता सहाबे किराम है और उलमाए उम्मत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने में एक्सपर्ट है, माहिर है, वो है सफरे किराम अबरार के साथ है, यानी वो भी सफरतिन किराम बररा के साथ है। इसीलिए उलमा, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, उनकी इज्जत करो, इकराम करो। ये भी जो है अंबिया, फरिश्ते, सहाबा की मुकद्दस जमात से इनको भी गहरा रब्त है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान जैसा अजीम कलाम अता फरमाया, इतना बड़ा नूरानी कुरान अता फरमाया, लेकिन इंसान कुरान का हक नहीं अदा करता, कुरान पढ़ता नहीं, कुरान समझता नहीं, कुरान पर अमल नहीं करता, कुरान की बात दूसरों को पहुंचाता नहीं, बल्कि क्या समझता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वाह रे भाई वाह, कुरान के बगैर तो किसी का काम ही नहीं चल सकता। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं किसी से मुस्तगनी और बेपरवाह नहीं हो सकता। अपनी असल जरा सोच तो सही कि अल्लाह ने तुझे मनी के नापाक खतरे से पैदा किया है, यानी मनी इतनी गंदी चीज है कि उसको बोलना भी अच्छा नहीं लगता, यानी भाई किसी के सामने तस्केरा करना, बोलना भी अच्छा नहीं लगता। किसी को पूछा जाएगा भाई तू किससे पैदा हुआ, तो जवाब में मनी बोलते हुए भी शर्म आती है, ऐसी तो ये चीज है। और एक पेशाब के रास्ते से निकलकर दूसरे पेशाब के रास्ते में वो चली जाती है, मर्द के पेशाब के रास्ते से निकली, औरत के पेशाब के रास्ते में चली गई, फिर मां के पेट में जाने के बाद खून नापाकी सब मिलकर के गोश्त का टुकड़ा बना, कितनी बड़ी अजीब चीज है। तो इंसान को सोचना चाहिए। और देखो, बच्चा जब मां के पेट में होता है ना,
तो कुदरती तौर पर उसका सर माँ के सर की तरफ और उसके पैर माँ के पैर की तरफ, इस सिस्टम से बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है। फिर जब पैदा होने का टाइम आता है तो अल्लाह कुदरती उस बच्चे के दिल दिमाग में बात डालते हैं और बच्चा पूरा फिर जाता है और अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, पैर ऊपर की तरफ कर लेता है, ताकि सर के जरिए माँ के बाहर निकलना उसके लिए आसान हो जावे। अब ये बच्चे को माँ के पेट के अंदर इधर उधर ये जो होती है उसकी तरतीब ये अल्लाह ताला उसको सिखाते हैं, अल्लाह उसको ये सब चीजें उसके दिल के अंदर रा डालते हैं। फिर दुनिया में आने के बाद रोजी कमाना अल्लाह ने उसके लिए आसान कर दिया, फिर आगे चल करके नेक आमाल करना, जन्नत में जाना या नऊज़ु बिल्ला अगर तकदीर में जहन्नम है तो जहन्नम में जाना, जहन्नम के आमाल करना, ये सब अल्लाह ने उसके लिए आसान कर दिया। और मौत भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि मौत न होए तो इंसान ने जिंदगी में जो मेहनत की, जो तकलीफ उठाई, उसका फायदा उठाने का मौका ही नहीं मिले। एक आदमी नमाज पढ़े लेकिन मौत नहीं आवे तो नमाज के बदले में जन्नत कब मिलेगी? तो मौत तो नेमत है कि मरेगा जन्नत में जाएगा, और दुनिया में जो रोजा रखा, तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसका सवाब लेगा अल्लाह ताला के पास जाकर के। फिर कब्र में दफन करना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज दुनिया में बहुत से धर्म के लोग कब्र में दफन करना, उन लोगों का रिवाज है कि मुर्दों को कब्र में दफन कर देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कब्र में दफन किया, इसलिए कि काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला। अब ये पहली मौत, तो कैसे दफन करना उसको आता नहीं था, तो काबिल बड़े भाई ने अपने मक्तूल भाई, मरे हुए भाई की लाश को एक चादर में बांधा, अपने कंधे के ऊपर उठा के घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता गया। बाज रिवायत में आता है कि 1 साल तक फिरता रहा और घूमते घूमते तंग आ गया, थक गया, तो एक जंगल में जाकर गमगीन होकर बैठ गया। अचानक 2 कौवे वहां आए और दोनों कौवे आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला, फिर इस कौवे ने अपने पंजे और चोंच के जरिए से रेत के अंदर, रेती में एक खड्डा बनाया और मरे हुए कौवे को उसमें डाल दिया और उसके ऊपर रेत डाल दी और उस कौवे को दफन कर दिया। तो काबिल को समझ में आ गया कि मेरे भाई की लाश को मुझे इस तरीके से दफन कर देना चाहिए। तो काबिल चूंकि उसने कत्ल का गुनाह किया था, इसीलिए उसको सिखाने के लिए अल्लाह ने कौवे भेजे और कौवे भेज करके उसको दफन करने का तरीका सिखाया। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो वाह वाह, आसमान से फरिश्ते आए, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सामने आदम अलैहिस्सलाम को गुसल दिया, कफन पहनाया, कब्र में दफन किया, वाह वाह। तो फरिश्तों ने आकर के उनको सिखाया। गोया काबिल ना काबिल नालायक था, इसलिए उसको सिखाने के लिए फरिश्ते नहीं आए, कौवे के जरिए से सिखाया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दूसरी जो थी वो बड़ी नेक थी, इसलिए उनको सिखाने के लिए फरिश्ते आए आसमान से, अल्लाह ने मलाइका को भेजा। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कल्ला लम्मा यकदिमा अमरा। दुनिया में किसी को राहत मिल जाए, दुनिया में किसी को नेमत मिल जाए, दुनिया में किसी को मालदारी मिल जाए, दुनिया में किसी को सत्ता मिल जावे, हुकूमत मिल जावे, तो वो उसको ये ना समझे कि मरने के बाद भी मुझे सब कुछ यही मिलेगा। मैं दुनिया में मालदार तो मरने के बाद भी मालदार, दुनिया में मैं ताकत वाला तो मरने के बाद भी ताकत वाला,
दुनिया के अंदर में सत्ता और हुकूमत वाला तो मरने के बाद भी हुकूमत वाला, कल्ला हरगिज ऐसा मत समझो। जब तू दुनिया में आया था ना तो तूने कोई गुनाह नहीं किया था, बच्चा मासूम होता है, इसीलिए अल्लाह ने तुझे माल दिया, दौलत दी, इज्जत दी, सत्ता दी, हुकूमत दी, लेकिन तूने दुनिया में रहकर बहुत सारे गुनाह कर लिए, अल्लाह की नाफरमानी कर डाली, जुल्म कर डाले, इसीलिए मरने के बाद तुझे ये सब चीजें नहीं मिलेगी। इकल्ला दुनिया में अगर तूने अल्लाह को नाराज किया है तो हरगिज तुझे मरने के बाद दुनिया जैसी नेमत नहीं मिलेगी। फिर इंसान सोचे तो सही, अल्लाह ने इंसान को क्या क्या नेमत अता फरमाई, अनाज दिया, अनाज में जैसे कि गेहूं है, चने हैं, जवार है, मक्कई है, बाजरा है, फिर अंगूर भी दिए, वाह वाह, और सब्जियां भी दी एक से एक, जैतून भी दिए, खजूर भी दिए, और बाड़ियां भी दी, और जो है फल फ्रूट मेवे भी दिए, सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जमीन से उगाई। अब ये जो फल फ्रूट सब्जी वगैरह उगती है अनाज, वो तीन तरह के होते हैं समझो। बास जमीन से उगने वाली चीजें ऐसी है जो खास तौर पर जानवर के लिए है, जैसे कि घास जानवर खाते हैं, ये रमजान में खाते हैं वो घास नहीं, वो जमीन से उगती है ना, वो हरी हरी घास की बात कर रहा हूं। नंबर दो, बास जमीन से उगने वाली चीजें ऐसी है इंसान भी इस्तेमाल करता है, जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अनाज, दाना, गेहूं, चावल, बाजरी, मकाई, कोदरी, नागली, ये सब चीजें इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। नंबर तीन, बास चीजें ऐसी है कि उसमें से अच्छी अच्छी चीजें इंसान खा जाता है और उसमें से निकली हुई चीजें जानवरों को खिलाता है, जैसे तुअर की सींग ले आए, अरहड़ की फलियां, तो अंदर के दाने हम खा जाएंगे, तुअर पुलाव, मटर पुलाव बना करके, और ऊपर का छिलका बकरी को खिला देंगे, इस तरह होता है। सेब सफरजन है तो ऊपर का छिलका बकरी को खिला दिया और अंदर का सफरजन हम खा जाएंगे, ये तीन तरह की चीजें हमारे खाने के अंदर आती है। कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक मौका ऐसा आएगा। आज देखो पूरी अजीब तरतीब अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई, अजीब तरतीब, कि भाई अपने भाई से मशवरा करता है, भाई अपने भाई की मदद करता है, भाई बचपन से अपने भाई के साथ होता है, लेकिन कयामत के दिन भाई भाई से दूर भाग जाएगा। मां, मां के हक कितने हैं हमारे ऊपर, मां को औलाद से कितनी मोहब्बत है, लेकिन मां से भी इंसान कयामत के दिन एक वक्त पर भागेगा। बाप, बाप की कितनी इज्जत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत, बाप बेटे से मोहब्बत, लेकिन कयामत के दिन बाप भी अपने बेटे से दूर, बेटा भी बाप से दूर। अरे बीवी, जिसके साथ आदमी सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता है, कयामत के दिन एक मौके पर उससे दूर हो जाएगा। औलाद, अल्लाहु अकबर, औलाद से मोहब्बत तो बहुत ज्यादा होती है। इंसान सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद ही सब कुछ है, मेरे कायम मुकाम होगी, मेरे नाइब होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अदना से आला की तरफ तरक्की की कैसी अजीब तरतीब है। चुनांचे ये सब रिश्तेदार कयामत के दिन एक वक्त ऐसा आएगा, सब एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। हाँ, तकवा वाले, नेकी की बुनियाद पर जो रिश्तेदारियां होगी वो इंशाल्लाह कयामत के दिन खत्म नहीं होगी, वो बाकी होगी। इल्लल मुत्तकून, कुरान में इस्तिस्ना मौजूद है। और कहते हैं कि ये जो कुरान के अंदर आया, तो सबसे पहला आदमी जो अपने भाई को देखकर भागेगा वो आदम अलैह सलाम का बेटा काबिल होगा, वो अपने भाई हाबिल को देखकर भागेगा कयामत के दिन। काबिल ये सोचेगा कि हाबिल को जो मैंने कत्ल कर दिया था,
तो अपने कत्ल का केस अल्लाह के दरबार में लेके नहीं जावे, इसलिए काबिल हाबिल को देख के भागेगा। तो सबसे पहला भाई जो भाई को देख के भागेगा वो काबिल होगा, हाबिल को देखकर भागेगा। और सबसे पहले जो बेटा अपनी माँ और अपने बाप को देखकर भाग जाएगा वो बेटे कौन होंगे? हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेहि सलातु वस्सलाम होंगे, जो अपने अब्बा और अम्मा से दूर हो जाएंगे कि कहीं मेरे माँ बाप मुझे अल्लाह के दरबार में सिफारिश के लिए कहने ना आवे, इसलिए कि काफिर के हक में सिफारिश तो हो नहीं सकती। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा अम्मा ईमान नहीं लाए थे, और अपनी बीवी से सबसे पहले भागने वाले हजरत नूह और हजरत लूत अलैहि सलात व सलाम होंगे, जो सबसे पहले अपनी बीवियों से दूर होंगे, इसलिए कि दोनों की बीवियां ईमान नहीं लाई। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा, और बेटे को देखकर दूर हो जाने वाले सबसे पहले हजरत नूह अलैहि सलाम होंगे, चूंकि उनका बेटा कनान काफिर होने की हालत में मरा था, ईमान नहीं लाया था। तो ये तो मैंने पहला 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 बयान कर दिया। बाकी जितनी रिश्तेदारियां, भाई बहन बीवी माँ बाप बच्चे, जिस रिश्तेदारी में तकवा न हो, अच्छे आमाल न हो, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशी न हो, वो सारे रिश्तेदार कयामत के दिन एक दूसरे से भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? बहुत सारी वजह हो सकती है क्यों भाग जाएंगे रिश्तेदार रिश्तेदार को देखकर, बाप बेटे को देखकर, माँ बेटे को देखकर। एक वजह ये समझ में आती है कि हुकूक के मुतालबे के डर से, मसलन बाप ने बेटे का हक अदा नहीं किया, बेटे ने बाप का हक अदा नहीं किया, भाई ने भाई का हक अदा नहीं किया, तो कयामत के दिन डर लगेगा कि ये लोग मुझसे राइट्स मांगेंगे, हक मांगेंगे, इसलिए भाग जाएंगे। नंबर दो, ये वजह भी हो सकती है कि उनको ये हो कि ये मेरे से मदद मांगेंगे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने के लिए कहेंगे, और मैं मदद तो कर नहीं सकता, सिफारिश तो कर नहीं सकता, इसलिए भाग जाएंगे। तीसरी वजह यह हो सकती है कि अपने भाई को, अपनी बीवी को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपनी माँ को नऊज़ुबिल्ला अजाब होवे, तो बाज लोग ऐसे होते हैं कि अजाब और सजा नहीं देख सकते, इसलिए भाग जाएंगे। बाज ऐसे कमजोर होते हैं कि वो सजा और अजाब को नहीं देख सकते, इसलिए जो है वो लोग एक दूसरे को देख करके भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और कयामत के दिन दो तरह के चेहरे वाले होंगे, ईमान वालों के चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह। अल्लाह हमारे चेहरे कयामत के दिन अपने करम और फजल से ऐसे बना देवे। और काफिरों के चेहरे कैसे होंगे? काले कलौटे। क्यों? इसीलिए कि एक तो उन्होंने कुफ्र किया और दूसरा ये के गुनाह किया, इसलिए ऐसे चेहरे होंगे। देखो, गुनाहों का रंग काला होगा लेकिन काली मिट्टी जैसा, काला मिट्टी जैसा, काला और मिट्टी जैसा। और कुफ्र का रंग काला और भूरा भूरा होगा। ये दो तरह का कालापन कयामत के दिन होगा। गुनाहों वाला काला रंग कैसा होगा? मिट्टी के कलर का। और कुफ्र का काला रंग कैसा होगा? भूरे भूरे रंग का। इसीलिए दो जिसमें दोनों चीज होगी उसमें ये दोनों कलर आ जाएंगे। अल्लाह ताला इस तरह की रुसवाई से आपकी मेरी पूरी ईमान तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, सबको ईमान अता फरमाए। सूरतुल अबस से बहुत सारे फवाइद और निकात है, दो चार निकात में आपको बतला देता हूँ फायदे के। एक खास फायदे की बात बतलाऊं, अबस व तवल्ला। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा लाडले हैं, सबसे ज्यादा महबूब है, हबीब है, लेकिन फिर भी इस आयत के अंदर हुजूर के लिए अदब की बात सिखलाई गई,
तो इससे मालूम हुआ कि दोस्तों से कभी कोई कोताही हो जावे, भूल हो जावे, तो हम उनको तंबीह करें, नाराजगी जाहिर करें। अगर दोस्तों से भूल हो जावे और हम उनको तंबीह करें, उन पर नाराज होवे, तो दोस्ती और मोहब्बत बाकी रहती है। अरबी में कहवत कही जाती है, वयबकल वुद मा बकियल इताब, यानी जब तक नाराज होना, फरियाद करना, शिकवा शिकायत होना बाकी रहे, तो मोहब्बत बाकी रहती है। हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दो दोस्त आए। मैंने अपने पीर व मुर्शिद हजरत अकदस मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से वाकिया सुना, तो आकर के दोनों ने कहा, हजरत हम दोनों पक्के दोस्त हैं, हमारे लिए दुआ करो। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तुम दोनों में कभी नाराजगी होती है, कभी कुछ बोलचाल हो जाती है, फरियाद हो जाती है? तो कहते हाँ होती है। तो हजरत ने फरमाया कि तब तो तुम हकीकत में पक्के दोस्त हो। मालूम हुआ कि पक्की दोस्ती में कुछ नाराजगी, कुछ तंबी, कुछ गुस्से होना, ये सब चलता रहता है। दूसरी एक अहम बात ये सीखने को मिली कि किसी के पास कोई ओहदा हो, होद्दा हो, कोई ऊंचे मकाम पर हो, तो अपने अंडर, अपने मातहत, अपने हाथ के नीचे के जो लोग हो, उनको पूछते रहना चाहिए कि वो लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो लोग सही सही काम कर रहे हैं कि नहीं, वो काम में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें उनसे पूछते रहना चाहिए, ये भी सूरह अबस से सीखने को मिला। तीसरी बात ये कि कभी किसी को हकीर मत समझो, चाहे जाहिर में कोई कितना भी हकीर मालूम हो, लेकिन कभी किसी को हकीर मत समझो। देखो अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हो नाबीना थे, जाहिर में कैसे लगते थे, लेकिन उनको हकीर अल्लाह ने नहीं समझा। चौथी बात ये समझ में आई कि इल्म हासिल करने में, इल्म सीखने में, दीन की बात सीखने में कितनी भी रुकावटें पेश आए, लेकिन इल्म हासिल करना मत छोड़ो, दीन सीखना मत छोड़ो। देखिए ये सहाबी जिनका किस्सा कल आपने पूरा सुना, अंधे थे, तकलीफ से हुजूर को ढूंढते 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 हुजूर के पास पहुंच ही गए, हुजूर को तलाश कर ही लिया इन्होंने जाकर के, तो दीन सीखने के लिए कितनी भी रुकावट आए, लेकिन दीन सीखना चाहिए। चौथी पांचवी बात ये मालूम हुई कि अगर किसी बड़े की तरफ से छोटों को कोई रंज और तकलीफ की बात पहुंच जावे, तो बड़े फौरन उसका तदारुक कर लेवे, रिकवरी कर लेवे। यानी बड़ों ने, मसलन उस्ताद ने शागिर्द को डांट दिया, अब्बा ने बेटे को डांट दिया, बॉस ने जो है अपने स्टाफ को डांट दिया, तो फिर उसकी रिकवरी भी कर लेनी चाहिए, उनको पटा समझा लेने का, फुसला लेने का, हंसा देने का। पांचवी बात ये मालूम हुई कि जो लोग रूठ जावे, नाराज हो जावे, उनको मना लेवे और उनको पहले से ज्यादा इज्जत और मर्तबा देवे। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो उनके लिए चादर बिछाई, चादर पर बिठाया और क्या फरमाया, अंतफी अयाली मोहम्मद मा बकीत, कि जब तक जिंदा रहोगे तुम मेरे घर वालों में से हो और मैं तुम्हारी कफालत करूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम को हुजूर ने फिर अपनी फैमिली का एक मेंबर बतलाया और फरमाया कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारी पूरी देखभाल मैं करूंगा। छठी सातवीं बात ये सीखने को मिली कि इल्म हासिल करने वाले में अल्लाह का डर होना चाहिए, दीन सीखने वाले में अल्लाह का डर होना चाहिए। वह अम्मा मन जास आ वह यखशा, कि जो आपके पास दौड़ते हुए कोशिश करते हुए दीन सीखने आया उसके दिल में अल्लाह का डर था। मालूम हुआ दीन सीखने वाले, इल्म सीखने वालों में अल्लाह का डर होना चाहिए। और एक बहुत नाजुक फायदा बतलाऊं आठवें नंबर का, जरा ध्यान से समझ लेना। अपने जो रिश्तेदार अल्लाह के नाफरमान हो,
उनके साथ ज्यादा दो ताल्लुक मत रखो, ज्यादा मेल जूल मत रखो, उसके साथ ज्यादा उठना बैठना मत रखो, इसलिए कि उनके गुनाहों का असर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। इसलिए कि ये जिस मजलिस में हजरत अब्दुल्ला ने उम्मे मक्तूम आए थे, उस मजलिस में मक्का के जो कुरैशी बड़े बड़े काफिर सरदार थे, इन सरदारों में अक्सर हुजूर के रिश्तेदार, कोई चचा और हकीकी चचा हजरत अब्बास जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे वो भी मौजूद थे, और अबू जहल वो भी रिश्ते में हुजूर का चचा होता था वो भी मौजूद। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर को क्या फरमाया, अम्मा मन इस्तगना फअंत लहू तसद्दा। मालूम हुआ कि रिश्तेदारों में जो नाफरमान हो उनको दीन की बात समझा दो दूर से, एहतियात से, उनके साथ ज्यादा मेल जुल मत रखो, वरना उनके गुनाहों का असर तुम्हारे अंदर आएगा। ये और जो है गंदे असरात तुम्हारे अंदर आने के बड़े खतरात है, इसीलिए उससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये सब निकात और फवाइद बड़े अहम हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपना फजल व करम अता फरमावे, और अल्लाह ताला हम सब को आफियत और सलामती अता फरमावे, राहत अता फरमावे, और अल्लाह ताला इस सूरत की अनवार और बरकात से हम सब को मालामाल फरमावे। और देखिए एक खास बात बतलाऊं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहां से आए हुए कुरान में से कोई बात नहीं छुपाई, सब बातें उम्मत को बतला दी। इसलिए कि नऊजुबिल्ला 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 मेरे हुजूर कोई बात छुपाते तो सूरह अबस व तवल्ला की आयतें छुपा देते, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को जो बातें कही गई, चाहे उसको हम अदब का उन्वान देवे या जैसे कि बाज़ मुफस्सिरीन तंबीह लिखते हैं वो उन्वान देवे, वो बातें भी हुजूर ने बयान फरमा दी। क्या मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान पूरी वही एक एक आयत अपनी उम्मत को पहुंचा दी, और उसी का ऐलान हज्जतुल विदा में हुजूर ने किया था, बोलो मेरे सहाबा मैंने अल्लाह का दीन तुमको पहुंचा दिया, तुम लोग गवाह रहना। अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान के कामिल मुकम्मल होने के ऊपर ईमान अता फरमाए कि ये जो कुरान है अल्लाह के यहां से आया हुआ पूरे पूरा है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई चीज छुपाई नहीं गई है, कोई चीज इधर उधर गड़बड़ी हुई नहीं है, इस पर हमें अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।